रूपाली माँ। हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम है अर्जुन और मैं 10 साल का हूँ। और मेरा नाम राम है और मैं 8 साल का हूँ। हम दोनों रूपाली माँ सोलपी ग्रुप से 3 साल से जुड़े हुए हैं और हम SBC भी करते हैं। आज हम दोनों आपके साथ कुछ मिराकल शेयर करने वाले हैं जो सिर्फ रूपाली माँ की वजह से हुआ है। एक दिन मैं और मेरा भाई बेड पे खेल रहे थे और मैं अचानक से गिर गया। मुझे बहुत जोर से मेरे हिप पे लग गया और जिसके वजह से मैं रो रहा था। फिर मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया और सरेंडर लाइन्स बोला। जैसे ही सरेंडर लाइन्स बोला मेरा पेन 10 से 0 हो गया। थैंक यू माँ। एक और बात है कि एक दिन मैं फुटबॉल खेल रहा था और मैं गिर गया। मेरा एंकल मुड़ गया जिसकी वजह से मैं बहुत रो रहा था। और फिर मैंने माँ को रूपाली माँ को इन्वोक किया और सरेंडर लाइन्स बोला। जैसे ही मैं सरेंडर लाइन्स बोला मेरा पेन 10 से 0 हो गया। थैंक यू माँ। एक दिन जब मैं फ्रिज से कांच का बॉटल निकाल रहा था तब वो अचानक से मेरे हाथ से स्लिप होके नीचे गिर के टूट गया। जब मैं उसको साफ कर रहा था एक कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में आके मेरे हाथ में घुस के मुझे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि खून बहुत बह रहा था। तब जैसे ही मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया और सरेंडर लाइन्स बोला मेरा ब्लड का फ्लो रुक गया और फिर मेरा पेन चला गया। जब मेरी मम्मी आए थे मेडिसिन लगाने के लिए तब उनको वो मार्क दिखाई नहीं मेरे दोनों हाथों पे क्योंकि रूपाली माँ ने इतने अच्छे से ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। एक और बात है कि कल मेरे दांत में बहुत जोर से पेन आ रही थी और जिसकी वजह से मैं बहुत रो रहा था। तब मैंने ग्लास में पानी भरकर राधा कृष्णा के पास रखा और मैंने अपने आँखों को बंद करके रूपाली माँ को इन्वोक किया और बोला हे रूपाली माँ प्लीज़ पुट योर एनर्जीज इन दिस ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने ये बोला मैंने पानी पी लिया और मेरे दांत का पेन पूरा चला गया। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। अभी मैं आपके साथ मेरा सबसे रीसेंट वाला मिरेकल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और मैं अचानक से नीचे गिर के मेरा एंकल मुड़ गया। मैं पेन में बहुत रो रहा था और मैं चल नहीं पाया। तब मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया और सरेंडर लाइन्स बोला और फिर मेरा पेन पूरा चला गया और मैं चल पाया। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रूपाली माँ। हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम धीरा गुप्ता है। मैं जनवरी 2021 में सोलपीस ज्वाइन की थी और हम लोग रिसेंटली एक तीर्थ यात्रा पे गए थे। वहाँ पे इतना मज़ा किया वो समझ नहीं सकता है। जब मैं ट्रेन स्टेशन पे माँ की ट्रेन आई तो एक्साइटमेंट से कूदने को मन किया था लेकिन मैं रोक लिया अपने को लकीली और हम लोग बैजनाम गए। माँ चामुंडा देवी मंदिर गए, गोवर्धन परिक्रमा किए और भी बहुत चीज़ किए। मैंने माँ से इतनी मस्ती से खेला। माँ इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी हर ड्रेस में। हर सुबह माँ को देख के एकदम अलग सी मदर लाइफ फीलिंग आती थी कि मैं खुशी से रोने लगती थी हर बार। और जब माँ मुझे इतना प्यार से अलाइन करती थी मुझे समझ नहीं आता जब प्यार से अलाइन करती थी कि उसके प्यार से भी रोना आता था मुझे। और
माँ ने मुझे ये भी बोला था कि लोअर इमोशंस को नहीं लेकर आना है, और जब जिस दिन से माँ ने बोला उसी दिन से मेरे एक अंदर एक अलार्म सिस्टम आ गया। जैसे ही मैं वीज या तो और लोअर इमोशंस में जाती थी तो फिर एक ये अलार्म बजने लगता था बॉडी के अंदर, फिर मैं अलर्ट हो जाती थी कि मैं वीसी में तो किसी और में जा रही हूँ। हम लोग बस में इतना मज़ा किए, इतना अच्छा अच्छा चीज़ देखे हम लोग, एकदम अच्छे एनर्जीज थे माँ के आसपास में। मैं बताऊँ, डॉग्स माँ को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, वो बहुत शौकीन बात थी। और मैं तो टोटल 60 लोग थे, हम लोग ने बहुत मज़ा किया, खेला कूदा, डांस किया, मैंने माँ के साथ डांस भी किया, सोचो। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, माँ ने ये भी बोला था सबसे, अगर गुड बॉय गुड गर्ल बनोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर भी प्लान हो सकता है, और मैं उसके लिए बहुत जगह वेट कर रही हूँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। माय नेम इज, मेरा नाम है अंशिका गुप्ता, मैं 2021 से जुड़ी हूँ। माँ से मिलकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और जब मैं माँ को हग की ना तो मुझे खुशी से धमधक होने लगी एकदम, तो मैं क्या बताऊँ ये। और जब मैं स्टेशन पर आई तो मुझे घूमने का मन किया एकदम, तो फिर मैंने कंट्रोल कर लिया खुद को। जैसे ही माँ को मैंने ट्रेन में देखा ना, इतनी खुशी हुई, टोना भी थोड़ा कम हो गया मेरा, जो सर पे लगी थी वो भी ठीक हो रहा था धीरे धीरे। बहुत ही मजा किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम प्रिया खन्ना है, और मुझे सोल पीस ग्रुप से जुड़े हुए और रूपाली माँ से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। वैसे तो मेरी लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स मैंने देखे हैं जब से मैं सोल पीस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, पर मैं रिसेंट अपना एक फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी बेटी के रिलेटेड है, दृष्टि वी खन्ना, उसके पढ़ाई के रिलेटेड। मेरी बेटी भी SBC पार्टिसिपेंट है, वो मेरे साथ में प्रैक्टिसेस कर रही है। पहले उसके जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसको बहुत ज़्यादा फोकस इश्यूज था पढ़ाई के रिलेटेड, पर जब से वो SBC प्रैक्टिसेस करना उसने शुरू किया है और एकादशी का व्रत भी अभी उसने रखना स्टार्ट किया है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है। अभी उसका रिसेंटली सेकेंड टर्म का उसके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आया था, तो उसके ओपन हाउस पे मैं उसकी टीचर से मिलने गई, तो उसकी टीचर ने कहा कि उसके मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं, उसको A+ ग्रेड मिला है हर सब्जेक्ट में, और ये सब जो है सिर्फ माँ की ब्लेसिंग्स और उनके नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर ही मिला है। पहले उसके जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम थे, वो फोकस इश्यूज था, उसको आंसर्स याद नहीं रहते थे, बट अभी उसके मैंने पेपर्स देखे तो उसको काफ़ी अच्छा, उसका कंसंट्रेशन भी हुआ है, उसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। थैंक यू सो मच रूपाली माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सोल पीस ग्रुप, थैंक यू राधा कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, मेरा नाम दृष्टि है, मैं क्लास सेकेंड में पढ़ती हूँ। कल मेरा रिजल्ट देखा, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू रूपाली माँ, मैं SBC प्रैक्टिस अपनी मम्मी के साथ रोज सुनती हूँ, एकादशी का व्रत भी रखती हूँ और संडे सेशन भी सुनती हूँ। मुझे संडे सेशन करना बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मुझे बुक पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधे कृष्ण।